हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को देखा था। आज हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इन सब बातों को हम आज पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने तीन टॉपिक लिया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर चार्ज। जैसे माने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक, और ये आपको इसके अराउंड में सर्कल दिख रहा है। तो ये क्या होगा, अगर कोई अदर चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो इसके कारण अब ये क्या करेगा, ये एक ऐसा फील्ड है, इतने के अंदर इसका फोर्स क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इस चार्ज के प्रति क्या करेगा, काम करेगा। इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अ रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स देखना है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, तो यहाँ क्या करता है, मान लीजिए लेट अस सपोज हम सेकंड टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक देख रहे हैं हम, रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन शिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक, लेट अस सपोज फोर ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू, ठीक है, चार्ज क्यू एट पॉइंट आर, ठीक है, एट पॉइंट आर, मतलब आर डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, एट डिस्टेंस आर पे एक कोई चार्ज काम कर रहा है इस पे। तो क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई से इसको डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, क्या होगा, दैट क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेटिंग एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो या फिर ये कह सकते हैं, या फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेटिंग एट दैट पॉइंट इज द इज क्या हो जाएगा बच्चों, कि इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मींस एफ अपॉन क्यू, ठीक है, एफ अपॉन क्यू, वेक्टर ये ले, वेक्टर आर, मतलब आर पोजीशन पे कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसके बीच में, फोर्स के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये आपका क्या है, ये एक क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी as because it depends on direction, ये एक vector quantity है, क्योंकि ये किस पे depend कर रहा है, किस पे depend करता है, direction पे, ठीक है, direction पे depend करता है, क्या है direction पे depend करेगा, आइए हम आगे देखते हैं। तो next topic हम क्या देखेंगे, electric field intensity due to a point charge। तो ये देखते हैं, इसके लिए हम क्या suppose कर लेते हैं, यहाँ पे एक position O है, यहाँ पे एक charge Q है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक position P है, ठीक है, ये आपका क्या है, चार्ज है Q, ठीक, चार्ज है, यहाँ एक पोजीशन P है, और यहाँ पे जो OP is equal to क्या है, ये आपका OP is equal to क्या है, R है, ठीक है, ये OP is equal to R है, ठीक, ये OP is equal to R है, और यहाँ पे P पे क्या है, एक टेस्ट चार्ज है Q not। अब क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q, मतलब P पे पी बिंदु पे क्या करना है हमें, क्यू के सापेक्ष, क्या करना है, क्यू के सापेक्ष हमें विद्युत क्षेत्र का ज्ञात करना है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का उसमें इंटेंसिटी का ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सॉरी ये हम कूलम्स लॉ से अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार E ऑफ F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर होता है F अपॉन Q
नॉट, क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से पहला और दूसरा, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब यहां से क्या करें, एफ का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो देखिए एफ का मान यहां रखेंगे तो क्या आएगा, ई बराबर में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या आएगा, क्यू नॉट आर स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण एट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया क्यू, फिर हमने टेस्ट चार्ज लिया है जहां से किसी पॉइंट से निकालना पी है, और हमने ओ और पी के बीच का डिस्टेंस आर ले लिया। उसके बाद कूलम्ब लॉ से एफ इज इक्वल टू आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं आप, और यहां से f की वैल्यू रख देते हैं सेकंड में, ठीक है। तो e क्या आ गया, e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और यहां पे q नॉट से q नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको यहां पे हम क्या ले लेते हैं, r कैप एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर अगर हम ले लेते हैं, लेट r कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर, ठीक है, आर अपॉन मॉड आर, ये होता है। उसके बाद से जब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू, ठीक है, क्यू हो जाएगा। और हमें क्या रखना है यहाँ पे, अभी क्या आया हुआ था, क्यू अपॉन आपका आया था यहाँ पे, अभी आप देखा कि ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। जब हम यहाँ पे रख देते हैं आर कैप, ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, तो चार्ज तो आपका वेक्टर होता नहीं है, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F नॉट, ये होगा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या रखना है, यूनिट वेक्टर रख देंगे r कैप, बस इतना ही करना था हमें। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इन वेक्टर फॉर्म, ये आपका वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम आगे, और आगे के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले उससे पहले देखते हैं कि देखिए अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव कोई चार्ज है, तो हमेशा ये जो इसका डायरेक्शन होगा ये कहाँ होगा, आउटवर्ड्स होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम करता है, जबकि वही नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या काम करेगा, इनवर्स डायरेक्शन में। ये क्या, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ काम करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेगा, अंदर की तरफ काम करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्या है, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स, इनवर्स मतलब नेगेटिव फील्ड के लिए क्या करेगा, अंदर की तरफ, इनवर्स नेगेटिव फील्ड के लिए क्या करता है, इनवर्स की तरफ। मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या देखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों उससे पहले हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, देखिए वी मे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज ए पाथ, ठीक है, एज ए पाथ कर्व्ड और स्ट्रेट at which if we take tangent then we get the direction of electric field। मतलब कि एक ऐसा कर्व या स्ट्रेट पाथ, अगर यहाँ पे हम जब टेंजेंट को लेते हैं, ठीक है, टेंजेंट लेते हैं, ये क्या बताएगा हमें, टेंजेंट अगर यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये हमें क्या बताएगा, पाथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पाथ कर्व और स्ट्रेट एट टेकिंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट
गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए हमने यहाँ टेंजेंट दिया, ये क्या बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। टेंजेंट है ये टेंजेंट जब यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या बता रहा है इसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, अभी हमने देखा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन्स है वो क्या है रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जबकि निगेटिव चार्ज से क्या हो रहा है रेडियली इनवर्ड्स इनवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है, रेडियली इनवर्ड्स आ रहा है, ठीक। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये जैसे मान लो यहाँ आपका प्लस क्यू के लिए होगा, ये माइनस क्यू के लिए हो गया, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू के लिए हो रहा, तो इसमें क्या हो रहा है रेडियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स, जबकि इसमें देखिए निगेटिव के लिए क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड्स इनवर्ड्स डायरेक्शन में ये आ रही है, ठीक। अब हम जब इन दोनों को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक डाइपोल बन जाएगा, एक क्योंकि प्लस चार्ज प्लस क्यू है और माइनस क्यू इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा एक ये डाइपोल बन जाएगा, तो ये डाइपोल के कंडीशन में इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा उसको देखते हैं, तो ये डायपोल की कंडीशन में देखते हैं, तो डायपोल जब ये बनेगा तो ये देखिए डायपोल की कंडीशन में देखिए यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज, तो मतलब कि अब ये क्या बन गया प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल डाइपोल हो गया, क्योंकि इसमें देखिए डाइपोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो पोल है इसीलिए देखिए ये डाइपोल हो गया, और इसमें क्या होगा देखिए इसमें से क्या होना आउटवर्ड्स होगा और इसमें सॉरी पॉजिटिव की तरफ से क्या होता है आउटवर्ड्स बाहर की तरफ और इसमें क्या होता है इनवर्ड्स होता है, ठीक है, अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आती है, तो इस हिसाब से जो फिगर हमारा बनकर तैयार होगा वो कैसे होगा पॉस्ट ये हमेशा क्या होगा ये देखिए पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में आएगा पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव आएगा पॉजिटिव टू निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, देखिए पॉजिटिव से आउटवर्ड हो रहा है जबकि निगेटिव में क्या हो रहा है इनवर्ड्स हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में आउटवर्ड हो रहा है जबकि निगेटिव में इनवर्ड्स हो रहा है, ये आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही देखिए इसको और भी हम और अच्छे इस तरीके से देखना चाहें तो देखिए ये क्या होगा ये इस तरीके से बन जाएगा और ये इस तरीके से और यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से और ये इस तरीके से, मीन्स यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है जबकि यहाँ से क्या जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये बाहर की तरफ जा रहा है जबकि यहाँ से ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायपोल के कंडीशन में उसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा जो क्या होता है कि इनवर्स होता है, और भी इसका जो है हम नोट्स में अच्छे से इसका और डिस्क्रिप्शन फिगर क्लियर फिगर आप देख सकते हैं नोट्स में, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं ये फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के आ रही है और इसके यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, मतलब कि देखिए पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड्स जा रही है और निगेटिव से इनवर्ड जा रही है। एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है वो क्या है कि अब देखिए मान लीजिए दो चार्ज इसमें लगा हुआ है, ठीक है, अगर दोनों चार्ज क्या है अगर जैसे एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है, ठीक, यहाँ पे जैसे एक मान लेते हैं ये सेंटर यहाँ पे P, ठीक है, P एक पॉइंट मान लेते हैं, जब क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब P की बात करेंगे इसमें कोई एक बीच में पोजिशन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है, तो जब P और यहाँ से ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू जब क्या होंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये देखिए यहाँ से ये आउटवर्ड्स जाएगा ये आउटवर्ड्स यहाँ से जाएगा और यहाँ से ये क्या होगा इनवर्ड्स होगा, ठीक है, ये इनवर्ड्स होगा और यहाँ से ये आउटवर्ड होगा, या फिर ये बात करें इसको छोड़ दीजिए, अभी हम क्या देखते हैं दोनों चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, दोनों में आउटवर्ड्स जा रहा है, तो ये जब इक्वल डिस्टेंस पे दोनों चार्ज ही रखे जाएंगे तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब ये जब चार्ज दोनों इक्वल हो और इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन जब ये क्या होगा इस ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, अगर इसमें से दोनों में से कोई एक चार्ज छोटा हो जाए तो ये पॉइंट पी क्या हो जाएगा व्हेन देखिए कंडीशन ये है व्हेन बोथ चार्जेस
आर इक्वल देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी जीरो। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन एनी ऑफ द चार्ज इज स्मॉल स्मॉलर देन पी पी लाइज टू द स्मॉलर चार्ज। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों चार्ज इक्वल है तो P क्या है सेंटर में भी होगा और क्या होगा जब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन जब उसमें से कोई भी एक चार्ज क्या है वो क्या है अगर स्मॉलर है तो फिर वो P कहाँ हो जाएगा, P उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट होगा छोटे वाले चार्ज की तरफ, P छोटे वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। अब क्या देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे, तो आइए अभी आपके स्क्रीन पे शो करेगा। तो बच्चों ये क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स की बात कर रहे हैं, तो क्यों डिसकंटिन्यूअस कर्व कहते हैं आइए देखते हैं। देखिए आपने अभी देखा कि यहाँ पे जब ये दो डायपोल लिया जा रहा है तो पॉजिटिव से क्या हो रहा है स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड हो जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ आकर एंड हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आकर ये एंड हो रहा है, मतलब कि ये कोई भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, क्योंकि ये कोई भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। दूसरा क्या है टेंजेंट। ठीक है, अगर ये फील्ड लाइन्स है, जैसे ये फील्ड लाइन्स है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी टेंजेंट, जैसे अभी हमने बताया यहाँ पे कहीं भी अगर टेंजेंट हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बताता है वहां पे उसका इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, और साथ साथ क्या बता देगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताता है एट दैट पॉइंट। ठीक है, एट दैट पॉइंट और डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इंटेंसिटी फील्ड का जो डायरेक्शन है इंटेंसिटी का उसका क्या बताता है, मतलब कि अगर आपका ये फील्ड लाइन जारी है और यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बताएगा tangent to electric field line at any point gives the direction। ठीक है, ये क्या tangent अब draw करते क्या है direction of electric field line, मतलब इस point पर अब क्या बनाएगा direction electric field का कहाँ किस तरफ direction होगा intensity का उसका। ठीक है, तीसरा जो है no two electric field lines, ठीक है, electric field lines of force can intersect, कोई भी दो electric field lines intersect नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए एक ये है दूसरा ये, यहाँ पे intersect करेंगे तो जब ये हम tangent लेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक देखिए ये हो गया ए और ये दूसरा बी। ठीक है, अगर यहाँ से क्या आ रहा है ए और बी, मतलब कि यहाँ पे दो डायरेक्शन निकल के आ गए एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और हमेशा किसी भी कंडक्टर के ये क्या होती है कंडक्टर के हमेशा नॉर्मल काम करती है, काम करते हैं नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये बच्चों थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। ठीक है, आगे टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, मान लीजिए चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, मतलब सो ऑन चार्जेस हैं, इनके थ्रू क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पार्टिकुलर का जो होगा E इज इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ये क्या होगा डॉट डॉट EN। ठीक है, EN सबको हमें क्या करना है समेशन कर लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे E इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हमें क्या है Q/R² है, तो मीन्स यहाँ पे Q1² + Q2² डॉट 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 ये Qn² ठीक है, ये Qn² / R1 यहाँ नीचे क्या था R² है, पर Qn तक ले लेंगे तो नीचे R1² + R2² ठीक है डॉट डॉट आर एन यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught और यहाँ पे क्या आ जाएगा Qi ठीक है 1/4 pi epsilon naught और नीचे क्या आ जाएगा आपका नीचे आपका आ जाएगा ये आ गया आपका R i का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लगाना समेशन
I is equal to 1 to n, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, I is equal to 1 to 1 sigma, I is equal to I2, I is equal to 1 to n, 1 to n, ठीक है, और QI upon R square. यही जब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में करना है तो इन वेक्टर फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम, आर कैप लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये वेक्टर फॉर्म में करना था, वेक्टर फॉर्म में हो गया. ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, और बहुत सारे चार्ज है उनको सब क्या हो जाएगा, उसका सबका समेशन कर देंगे. ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज. बहुत सारे चार्जेस के कारण क्या हो जाएगा, उसको क्या करते हैं, हम समेशन कर देते हैं. माने दो तीन है जितने, उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर हम उसमें क्या करते हैं, समेशन उसका कर देंगे. ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, हम आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए आप जितने भी जो है प्रैक्टिसेस करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व किया जाए. थैंक यू फॉर क्लास.